चीन के वायरस ने दुनिया में तबाही मचा दी, लेकिन चीन लगातार मशक्कत कर रहा है कि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाए। इसी कड़ी में जमीन पर अपना बेहतर काम करने के बाद अब अंतरिक्ष में भी होड़ लगी हुई है चीन की ओर से। चीन अंतरिक्ष में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठा रहा है। दरअसल 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पर 3 महीने तक ऑर्बिट की परिक्रमा और आखिर के सबसे अहम 9 मिनट के बाद चीन मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चू रोंग रोवर ने शनिवार को मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया। रोवर एक छोटा अंतरिक्ष रोबोट होता है जिनमें पहिए लगे होते हैं। चूरोंग 6 पहियों वाला रोवर है और ये मंगल के यूटोपिया प्लेनिशिया समतल तक पहुंचा, जो मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। चीन ने इस रोवर में एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल, एक पैराशूट और रॉकेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। मंगल पर चीन के रोवर का उतरना एक बड़ी सफलता बताई जा रही है। यूटोपिया प्लेनिशिया से चीन का ये रोवर मंगल ग्रह की तस्वीर भेजेगा। चीनी इंजीनियर इस पर लंबे समय से काम कर रहे थे। मार्स की वर्तमान दूरी 32 करोड़ किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तक रेडियो संदेश पहुंचने में 18 मिनट का वक्त लगेगा। चुरोंग रोवर को मंगल पर उतारने में चीन को तब सफलता मिली जब अमेरिका के साथ वैश्विक तकनीकी नेतृत्व को लेकर होड़ मच रही है। अंतरिक्ष विज्ञान में अमेरिका की ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, लेकिन अब चीन भी उसे चुनौती दे रहा है। हाल के सालों में चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम उपग्रह छोड़ा था। इसकी मून पर लैंडिंग हुई थी और लूनर सैंपल हासिल करने में कामयाबी मिली थी। चीन अपना स्पेस स्टेशन भी बना रहा है। अगर चुरोंग मंगल ग्रह से अगले 90 दिनों में सूचनाओं को जुटाने और भेजने के मिशन में कामयाब रहता है तो चीन अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश होगा जिसके नाम ये कामयाबी होगी। सोवियत संघ ने भी 1971 में मार्स पर 3 रोवर भेजे थे, लेकिन सिग्नल टूट गया था और वहां से कोई सूचना मिल नहीं पाई थी। मंगल ग्रह मुश्किल और चुनौतीपूर्ण पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है। यहां पर धूल भरी आंधी बहुत शक्तिशाली होती है। किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नियंत्रित अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इस मिशन ने अपनी लैंडिंग के साथ ही एक प्रमुख मील का पत्थर साबित कर दिया है। अब बताते हैं आपको कि आखिर ये रोवर कहां पर उतरा है और ये क्या कुछ अध्ययन करने वाला है चीन के लिए। चीनी रोवर यूटोपिया प्लेनिशिया या नोवियर लैंड प्लेन में उतरा है, जो उत्तरी गोलार्ध में 2000 मील चौड़ा एक विशाल बेसिन है। माना जाता है कि बेसिन किसी उल्का पिंड के टकराने से बना है। साल 1976 में नासा के वैज्ञानियों ने इसी क्षेत्र का दौरा किया था। ये इलाका मंगल की सतह पर उत्तरी तराई क्षेत्र का हिस्सा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मंगल ग्रह की सतह पर कभी पानी रहा होगा तो ये क्षेत्र तब ऊपरी हिस्सों को कवर करने वाले महासागर यानी कि पानी के नीचे रहा होगा, और अगर इसे सही पाया जाता है तो यूटोपिया प्लेनिशिया या नोवेहर लैंड प्लेन के नीचे ही पानी के अवशेष हो सकते हैं। साल 2016 में नासा के वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि वहां वास्तव में बहुत अधिक बर्फ है। ये काफी बड़े इलाके में है। ट्यूनवेन 1 मिशन का एक लक्ष्य इस क्षेत्र में बर्फ के वितरण को बेहतर ढंग से समझना भी है, जिसका उपयोग भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव उपनिवेशवादी खुद को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। नमस्कार।